ईसाई समुदाय के लोगों ने ईसा मसीह के जन्मदिन खातेगांव निर्मल सदन में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। खातेगांव के अजनास रोड स्थित निर्मल सदन में प्रार्थना सभा का आयोजन करने के बाद परमेश्वर के नाम संगीत के माध्यम से गीत गाए गए। इसके बाद बाइबिल पर आधारित कहानियों के नाटक प्रस्तुत किए गए। चर्च के फादर मुकेश ने ईसा मसीह के बताए गए उपदेशों के बारे में जानकारी दी। वहीं फादर मुकेश ने सामूहिक प्रार्थना के बाद सभी को प्रभु यीशु के बताए शांति मार्ग पर चलने का संदेश दिया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम रहा निर्मल सदन में? निर्मल सदन खातेगांव की ओर से हमारे सभी देशवासियों को और वेरी स्पेशली हमारे खातेगांव के लोगों को निर्मल सदन खातेगांव की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं क्रिसमस के त्यौहार पे। आज क्रिसमस है, प्रभु यीशु का जन्मदिन हम मना रहे हैं, तो विशेष रूप से हमारे रात्रि संध्या में जो प्रार्थना होती है उसका हमने अनुष्ठान किया और आज 25 तारीख को दिन भर क्रिसमस का माहौल है। हमारे जितने भी भाई बहन वो आते हैं, विश करते हैं, हम उनको विश करते हैं और खुशियां बांटते हैं। तो आज का प्रोग्राम यही रहता है कि जितने भी लोग आते हैं प्रभु यीशु के दर्शन करने के लिए, वे दर्शन करते हैं, दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। तो आज के दिन का प्रोग्राम यही रहता है कि जितने भी विजिटर्स हैं आते हैं और प्रार्थना करते हैं। सर, आपका नाम और किस पद पर है? मैं फादर मुकेश, निर्मल सदन खातेगांव पैरिश का मैं डायरेक्टर हूँ और यहाँ के इस एरिया का मैं इंचार्ज हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।